आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा। तो अरुण, क्या 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 हुई थी बात, जरा बताया विस्तार से, बताया। माइक थले करो, बताओ। मेरे घर के पास ही बिजली के कार्यकर्ता आ रहे थे श्यामलाल आज। अच्छा। सफाई वगैरह चल रही थी। अच्छा। तो जैसे सर सफाई का सारा गंद जो था मेरी नाली में फेंक रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनको बोला इधर मत फेंको, गंद इधर से उठा लो। घर कहाँ पे, जरा एड्रेस? नागमनी में, वार्ड नंबर 65 है। अच्छा, ठीक है। फिर तो फिर मैंने उनको बोला इधर से उठा लो गंद। जो सफाई कर रहे थे उनको ही बोला मैंने बोला इधर मत गंद डालो, इधर से उठा लो गंद। लड़का था जो एक, उसका नाम आयुष शर्मा, मैं ऐसे दुकान के पास खड़ा था। आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी करियाना की। अच्छा, ठीक है। फिर तो मैं अपनी दुकान में मैं साइड पे आ गया, चुप करके खड़ा हो गया। अच्छा। सीधा आया, उसे गला दोचा मेरा, सीधे नाली की पुली होती है, पुली के अंदर मुझे डाल दिया उसने। ये टांग कट गई है मेरी, इधर से टांग कट गई है मेरी। कोई बात नहीं, जैसे मैं गिरा तभी इतने बंदे सारे जो बड़े बड़े थे उनको बोलना चाहिए कि मत मारो मत करो, वो भी सारे मुझे सड़क पे लटा दिया। कोई इधर से मारे, कोई इधर से ब्लड आ रहा है। कितने जने थे वो? कितने लोग थे आप? वो 10-12 बंदे थे। सबसे पहले मैं बोलूंगा सोनू शर्मा, दूसरा नंबर पूर्णचंद, इतना बेशर्म आदमी है, 80 साल का है बुढ़ा। पहले वो बीजेपी के एक्स सरपंच भी रहे शायद से, तो उन्होंने मेरे साथ इतना मिसबिहेवियर कर रखी है। कोई 11:30 बज रहे थे, उसके बाद भी फिर और भी आ गई उनकी जो बीबी थी वो भी आ गई। रजनी तो शर्मा जी, कौन कौन लड़के? तुम सब लड़कों का नाम बताइए। लड़का आयुष शर्मा, पीयूष शर्मा जो एज में बड़े थे वो सोनू शर्मा थे, और पूर्णचंद वो बड़े थे। वो वहाँ के लोकल है? लोकल ही है, साथ वहाँ के रहने वाले। तो कोई पुरानी खुंदक तो नहीं थी? पुरानी खुंदक ही उनके साथ। क्या 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 खुंदक बताओ ना। पहले भी एक बार मारा था, फिर भी घर वालों ने समझा लिया कि मत जाओ थाने में, कोई बात नहीं। हमने तो थाना देखा ही नहीं, हम कभी गए नहीं। पढ़ने वाला बच्चा हूँ, ग्रेजुएशन भी करता हूँ मैं, ग्रेजुएशन हो गई है मेरी। क्या मौका देखा उन्होंने? मौका देखकर उन्होंने सारों ने मेरे ऊपर दबोच लिए। तो देखिए, ये परिवार है और MLC के लिए जा रहे हैं। ये बेचारा देखिए, इस शख्स को जो है बेरहमी से मारा है। हालांकि एलिगेशन लगाए हैं, इसकी पुष्टि जो है वो हम नहीं करते हैं। फिलहाल पुलिस अच्छे से जांचेगी और एलिगेशन जो है वो काफी बड़े बड़े हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो है इस बेचारे युवक को मारा। आप भी थे इसके साथ? जी जी, बताएं। ये बहुत गलत बात है, क्यों ऐसे जम्मू में ऐसे क्यों हमले हो रहे हैं, क्यों नौजवानों पे ऐसे किए जा रहा है? ये गुंडागर्दी क्या जम्मू में चलेगी? हम सुनते थे पहले ये यूपी बिहार में हुआ करती थी, बाद की स्टेटों में हम सुनते थे। तो अब जब हम मीडिया के सामने हम देखते हैं डेली कोई ना कोई ऐसी जो न्यूज है वो लगी होती है। मेरी सरकार से जो गुजारिश है, ये जो पंगेबाज लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।